बिजनेस करते हो लेकिन आपके पास खुद का कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, तो बहुत सारे बैंक्स जो है वो आपके पास खुद की प्रॉपर्टी मांगते हैं कि आपके पास खुद का ओनरशिप होना चाहिए, वो नहीं है। और आपके पास रिटर्न कुछ केसेस ऐसा होता है कि रिटर्न मिस हो गया है, रिटर्न भूल गए हो, रिटर्न भी नहीं है, लेकिन आपके पास बिजनेस प्रूफ अच्छा है, पुराना है और बैंक में ट्रांजेक्शन अच्छा है, तो आप लोन ले सकते हो। दूसरी तरह की बात करें, दूसरा सिनारियो, कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजेक्शन है, इनकम टैक्स रिटर्न है, वो बिजनेस प्रूफ है और आपके पास खुद का कोई ऑफिस या घर नहीं है, तो भी अप्लाई कर सकते हो बिजनेस लोन के लिए। तीसरा तरीका है, अगर आपके पास इसमें से कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पास बैंक स्टेटमेंट और बिजनेस प्रूफ दो ही चीज़ है, तो ही अप्लाई कर सकते हो। सब में एक ही चीज़ कॉमन है कि आपके पास बिजनेस प्रूफ पुराना होना चाहिए और क्रेडिट स्कोर और बैंक में ट्रांजेक्शन अच्छा होना चाहिए, तो ही आप